हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं फॉर चैप्टर 9 यूनिट 3, दैट इज ट्रेड नेगोशिएशन। तो जो इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में एमसीक्यूज हैं, हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्मिनेटेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ए द दोहा राउंड, बी द टोक्यो राउंड, सी द उरुग्वे राउंड, या फिर डी द कैनेडी राउंड। देखिए, हमारा आंसर है सी द उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के बाद ही WTO का जन्म हुआ था। देखिए, WTO से पहले एक GATT हुआ करता था। इसका फुल फॉर्म है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑन गुड्स को कवर करता था। लेकिन GATT में कहीं सारे दिक्कतें थी, कुछ डिस्प्यूट्स भी थे, तो वो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कहीं सारे नेगोशिएशंस हुई। एंड आफ्टर 7 लॉन्ग ईयर ऑफ नेगोशिएशन फाइनली WTO का जन्म हुआ उरुग्वे में। ठीक है, तो हमारा आंसर है सी। देखिए, दोहा में भी कुछ हुआ था, दोहा राउंड में भी कुछ हुआ है। क्या हुआ है? दोहा राउंड जो है ये लेटेस्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन है WTO का। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि लेटेस्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन कहाँ हुआ। तो आंसर होगा आपका दोहा, कतार। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए द GATT वॉज मेंट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर कंट्रीज बाय रिचर कंट्रीज। देखिए, GATT का एम था कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करना या ट्रेड बैरियर्स को कम करना, लेकिन उसका एक एक्सप्लिसिट एम ये नहीं था कि पुअर कंट्रीज को रिच कंट्रीज से बचाया जाए, एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए, ये उसका मेन एम नहीं था। ठीक है, सो वी कैन नॉट से कि इट वॉज मेंट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, ये इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी, द GATT डेल्ट विथ ट्रेड इन गुड्स ओनली व्हाइल WTO कवर्स सर्विसेज एज वेल एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये करेक्ट है। देखिए, GATT अग्रीमेंट में सिर्फ ट्रेड इन गुड्स से रिलेटेड ही अग्रीमेंट्स थे, वो सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कवर नहीं करता था। लेकिन बाद में WTO में सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग को भी एड किया गया। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन एक बार सी भी देख लेते हैं। देखिए, सी क्या कहता है? All members of World Trade Organization are required to avoid tariffs of all types. ये बिल्कुल incorrect है। देखिए, WTO ये चाहता जरूर है कि ट्रेड बैरियर्स कम हो जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हर तरीके का टैरिफ्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। नहीं, टैरिफ्स अलाउड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, इट इज नॉट दैट कि आप कोई भी टैरिफ ही नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एंड डी सेज ऑल द अबव, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, द नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर द प्रोसीड्योर्स विद इन द WTO फॉर रिजॉल्विंग डिसअग्रीमेंट अबाउट ट्रेड पॉलिसी अमॉन्ग कंट्रीज। बी द प्रिंसिपल दैट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आर टू बी ट्रीटेड नो वर्स इन डोमेस्टिक मार्केट देन लोकल वंस। सी Exported products are to be treated no worse in domestic market than local ones. या फिर D, imported products should have the same tariff no matter where they are imported from. देखिए, national treatment principle का ये मानना है कि जो चीज़ें आप import करते हो, जो goods आप import करते हो, इसको भी आप उसी तरह से treat करो जिस तरह से आप अपने domestic goods या फिर local goods को treat करते हो। इसको हम कहते हैं नेशनल ट्रीटमेंट करना, नेशनल ट्रीटमेंट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द प्रिंसिपल दैट इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स टू बी ट्रीटेड नो वर्स। कम नहीं ट्रीट करना चाहिए आपको इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को कंपेयर टू डोमेस्टिक या फिर लोकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सभी प्रोडक्ट्स को सेम ट्रीट आपको करना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, Bound tariff refers to A. Clubbing of tariffs of different commodities into one common measure. B. The lower limit of the tariff below which a nation cannot be taxing its imports. B. The upper limit on the tariff that a country can levy on a particular good according to its commitment under GATT and WTO. Ya fir D. The limit within which country's export duty should fall so that there are cheaper exports. देखिए, bound tariff में क्या होता है कि एक upper limit लगाया जाता है tariff rates पे। ठीक है, एक ceiling बनाया जाता है कि उससे ऊपर आप tariff charge नहीं कर सकते। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो exporting countries है ना,
उनको थोड़ा सा सिक्योरिटी मिल जाएगा, उनको आइडिया लग जाएगा कि ठीक है मुझ पे इतना टैरिफ मैक्सिमम लगाया जा सकता है, इससे ज्यादा मुझ पे नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो उनको थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी मिल जाती है और ट्रेड में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये स्टेबिलिटी ले आने के लिए ही ये बाउंड टैरिफ लगाया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द अपर लिमिट ऑन टैरिफ दैट अ कंट्री कैन लेवी ऑन अ पर्टिकुलर गुड अकॉर्डिंग टू इट्स कमिटमेंट अंडर गैट एंड WTO। क्वेश्चन नंबर 5, द एसेंस ऑफ MFN प्रिंसिपल इज, तो ये MFN क्या है? MFN इज मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, राइट। और ये प्रिंसिपल का एसेंस ये है कि जितने भी WTO के मेंबर्स है ना, वो एक दूसरे को फेयरली ट्रीट करेंगे और इक्वली ट्रीट करेंगे, किसी भी एक कंट्री के तरफ कोई भी प्रेजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाया जाएगा। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को फेवरेबली ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, तो सेम ट्रीटमेंट आपको बाकी कंट्रीज को भी दिखाना पड़ेगा, बाकी सारे WTO मेंबर्स कंट्री को दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली सब मेंबर कंट्रीज को इक्वली ट्रीट करना इसका मेन एसेंस है, ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ए, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू ट्रेड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ऑप्शन बी, फेवर वन कंट्री यू नीड टू फेवर ऑल इन द सेम मैनर, ये भी करेक्ट है। अगर आप एक कंट्री को फेवर दिखा रहे हो तो बाकी कंट्रीज को भी आपको सिमिलर फेवर दिखाना पड़ेगा। ऑप्शन सी, एवरी WTO मेंबर विल ट्रीट ऑल इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स इक्वली विदाउट एनी प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये भी करेक्ट। सारे मेंबर कंट्रीज को आपको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। सो देखिए तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ए हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय गैट। देखिए गैट ने WTO को रिप्लेस नहीं किया, बट WTO ने गैट को रिप्लेस किया है, राइट। सो दिस इज इनकरेक्ट। बी, हैज एन इनबिल्ट मैकेनिज्म टू सेटल डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर्स, ये करेक्ट है। अगर मेंबर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आए तो सेटल करने का मैकेनिज्म WTO ने बताया है। सी, वाज एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर फ्री एंड फेयर ट्रेड इंटरनेशनली, ये भी करेक्ट है। सो हमारा ऑप्शन होगा डी, बी एंड सी अबव। क्वेश्चन नंबर 7, द अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट एंड बाइंडिंग कमिटमेंट्स मेड बाय WTO मेंबर गवर्नमेंट्स, ए ऑन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रूरल डेवलपमेंट, बी मार्केट एक्सेस एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट सपोर्ट, सी मार्केट एक्सेस डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज, या फिर डी मार्केट एक्सेस इम्पोर्ट सब्सिडीज एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज। देखिए जो WTO का अग्रीमेंट एंड एग्रीकल्चर है, ये स्पेसिफिकली तीन एरियाज को कवर करते हैं, और वो तीन एरियाज है मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, द अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग ए प्रोवाइड्स दैट टेक्सटाइल ट्रेड शुड बी डीरेगुलेटेड ग्रेजुअली एंड टैरिफ शुड बी इंक्रीज। देखिए जो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में अग्रीमेंट है ना, ये फ्री ट्रेड ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग को सपोर्ट करता है। ये सपोर्ट करता है कि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में, ठीक है, उनकी ट्रेड में वो कम हो जाए, बैरियर्स, ट्रेडिंग बैरियर्स कम हो जाए, ऐसा चाहता है, ठीक है। तो ये डीरेगुलेट करना चाहता है, ये तो सही है, ये चाहता है कि कम से कम रेगुलेशंस हो और फ्री ट्रेड हो, लेकिन टैरिफ को इंक्रीज करना चाहता है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि टैरिफ को इंक्रीज करने से तो ट्रेड में और रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, राइट, जो कि ये अग्रीमेंट नहीं चाहता। सो ऑप्शन ए वुड बी इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, रिप्लेस्ड बाय मल्टी फाइबर अग्रीमेंट विच वॉज प्रेवलेंट सिंस 1974, तो ये करेक्ट है। जो अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है, ये मल्टी फाइबर अग्रीमेंट को रिप्लेस करता है। मल्टी फाइबर अग्रीमेंट 1974 में था, सिंस 1974 ये अग्रीमेंट था, ठीक है, बाद में अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग ने रिप्लेस किया। ऑप्शन सी, ग्रांटेड राइट्स टू टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू इंक्रीज टैरिफ्स टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। देखिए अगेन यहाँ पे टैरिफ इंक्रीज करने की बात कही जा रही है, जो गलत है। और देखिए ये अग्रीमेंट का कोई डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का मोटिव नहीं है, ये अग्रीमेंट का मोटिव है कि ट्रेड ऑन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल को लिबरलाइज किया जाए, ठीक है, तो ये गलत है।
stipulated that tariffs in all countries should be same. देखिए ऐसा कोई stipulation नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि सब कंट्री में टैरिफ सेम रखी जाए, ठीक है, ये भी गलत है. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, सिर्फ बी ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 9, द अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ए स्टिपुलेट्स टू एडमिनिस्टर अ सिस्टम ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ये करेक्ट है. देखिए ये अग्रीमेंट चाहता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो वो इन्फोर्स किया जाए, ये राइट्स को लागू किया जाए, ठीक है. बी प्रोवाइड्स फॉर मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट एंड नेशनल ट्रीटमेंट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. ये भी सही है, अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट या नेशनल ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा भी ये अग्रीमेंट कहता है. एंड सी मैंडेट्स टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बाय ऑल मेंबर्स. ये भी करेक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है ये अग्रीमेंट पे. तो तीनों ही पॉइंट सही है, तो हमारा आंसर होगा डी, ऑल दी अबव. क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इन द येट टू कंक्लूड दोहा एजेंडा इज ए ट्रेड इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, बी ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेस्ड गुड्स, सी ट्रेड इन एग्रीकल्चरल गुड्स, या फिर डी मार्केट एक्सेस टू गुड्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज. देखिए जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है वो है ट्रेड इन एग्रीकल्चर गुड्स. देखिए इसमें क्या मुद्दा है कि डेवलपिंग कंट्रीज चाहते हैं कि जो उनके एग्रीकल्चरल गुड्स हो या प्रोड्यूस हो उसको ज्यादा मार्केट मिले एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज. और वो ये भी कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज को एग्रीकल्चर गुड्स में सब्सिडी मिलती है, ठीक है, और सब्सिडी उनकी गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से उनको अनफेयर प्राइस एडवांटेज मिल रहा है जो हमारे लिए अनफेयर है, तो इसको भी कम करने को वो कहते हैं. अब डेवलप्ड कंट्रीज का क्या है कि वो नहीं चाहते कि डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा मार्केट एक्सेस मिले, ठीक है, वो झिझकते हैं ज्यादा मार्केट एक्सेस देने में और वो अपना सब्सिडी भी नहीं कम कराना चाहते. तो ये नेगोशिएशन चल रहा है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है और अभी तो काफी चैलेंजिंग लग रहा है इसमें अग्रीमेंट में आ पाना, ठीक है. तो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक क्या है, इट इज द ट्रेड इन एग्रीकल्चरल गुड्स, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 11, द डब्ल्यूटीओ कमिटमेंट्स ए अफेक्ट डेवलप्ड कंट्रीज एडवर्सली बिकॉज दे हैव कंपैरेटिवली लेस एग्रीकल्चरल गुड्स, बी अफेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज मोर बिकॉज दे नीड टू मेक रेडिकल एडजस्टमेंट्स, सी अफेक्ट बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इक्वली, या फिर डी अफेक्ट नन एज दे इंक्रीज वर्ल्ड ट्रेड एंड इंश्योर प्रॉस्पेरिटी टू ऑल. देखिए जो WTO के कमिटमेंट्स है ना ये डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए जो भी कमिटमेंट्स या अग्रीमेंट्स होते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज को फुलफिल करने में ईजी होते हैं क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, पैसा है, उनके पास टेक्नोलॉजी सुपियोरिटी भी है, ठीक है, तो वो फुलफिल कर सकते हैं. लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के पास रिसोर्सेज भी कम होता है, राइट, पैसा भी कम होता है, तो उनको काफी मुश्किल हो सकता है. और कभी कभार ये कमिटमेंट्स या अग्रीमेंट्स फुलफिल करने के लिए उनको सब्सटैंशियल चेंजेस भी ले आने पड़ते हैं, रेडिकल एडजस्टमेंट करना पड़ता है अपने पॉलिसीज में भी, ठीक है, जिसकी वजह से ये कमिटमेंट्स फुलफिल करना डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा चैलेंज होता है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज. सो इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इट अफेक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज मोर बिकॉज दे नीड टू मेक रेडिकल एडजस्टमेंट्स. अगर आप ऐसे ही MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो. हमने एक बंडल निकाला है मॉक टेस्ट का जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट मिलेगा जो आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप में या फोन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो. देखिए ईच सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो आपके इंस्टीट्यूट की न्यू सिलेबस है जिसमें ईच चैप्टर की वेटेज जो दी गई है तो उसी हिसाब से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं. क्वेश्चंस काफी चैलेंजिंग है, आपको करने में मजा भी आएगा और हर टेस्ट के एंड में आपको आपका स्कोर भी दिख जाएगा, तो इससे आपको अपनी प्रिपेयर्डनेस लेवल भी पता चलेगी. स्कोर देखने के बाद आप टेस्ट को रिव्यू कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन आपने राइट किया, कौन सा रॉन्ग किया, ये सब देख सकते हो. हर क्वेश्चन के पीछे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, वो भी आप पढ़ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो. और ये बंडल आपको अवेलेबल है सिर्फ 120 रुपीज में, बहुत ही नॉमिनल प्राइस हमने रखा है ताकि सब अफोर्ड कर पाए. और इसकी 180 डेज की वैलिडिटी है,
यानी कि 180 डेज में आप कभी भी टेस्ट ले सकते हो और टेस्ट लेने के बाद आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। 180 डेज के अंदर आप कभी भी लॉग इन करो, रिवाइज करो, देखो आपने कहाँ पे पहले रॉन्ग किया था, सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ो, तो ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरी ईमेल आईडी में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको सारे एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विथ अनदर वीडियो सून। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।